क्रिसमस केक बनाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स केक बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर एंड 1 teaspoon बेकिंग सोडा। And 1/4 teaspoon of salt, नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। एंड मैंने 1 कप टूटी फ्रूटी एंड चेरीज लिए हैं। चेरीज को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। ये 1 कप लिया है मैंने पूरा, तो अब ये डाल देंगे इसमें। एंड मैं इसके अंदर वॉलनट्स डाल रही हूँ, अखरोट, थोड़ी सी किशमिश, इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। 1/2 कप बटर, आप बटर की जगह पे ऑयल भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। वन टेबल स्पून ऑफ वनीला एसेंस। अब हम इसमें डालेंगे 2/3 कप ऑफ शुगर, और 1 कप जितना मैंने इसमें दूध लिया है। पहले हम इसको हाफ डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं, चोको चिप्स डाल सकते हैं आप इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। हमारा बैटर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। मैंने एक केक टिन लिया है जिसमें मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर भी लगा दिया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब हमारा बैटर सब इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से टैप करना है, थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ली है ग्रीन कलर की। केक को हम बेक करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक कुकर लिया है जिसके अंदर मैंने 1 कप जितना नमक डाल दिया है, और इसे मैंने पहले से ही 10 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रख दिया था। और मैंने कुकर के ढक्कन में से सीटी भी निकाल दी है और उसका रबड़ भी निकाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर एक स्टैंड रख दूंगी इस तरीके से। अब हम केक को और मैंने कुकर की सीटी भी निकाल ली है और इसकी रबड़ भी निकाल ली है। मैंने हमारा कुकर एकदम बंद करके इसको रख दिया है, और हमें फ्लेम रखनी है मीडियम टू लो। अब हमारा केक चेक कर लेते हैं हम। मैंने इसे 40-45 मिनट्स तक रखा है लो फ्लेम पे, तो चेक कर लेते हैं।
हूँ।